हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज जो कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन होता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसे कैसे चलाते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसमें क्या क्या सावधानी रखना है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ये जो पिज़्ज़ा ओवन है, ये 3000 वॉट का पिज़्ज़ा ओवन है और इसमें एक बार में आप लगभग 6 पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ के बेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, कैसे इसको ऑपरेट करना है और इसको कैसे चलाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा ओवन। इसका ये बॉक्स है, अभी जो कि पैक है, इसको करते हैं अनबॉक्स। इसका टेप काटा, इसे खोल के निकालते हैं। सावधानी पूर्वक खोलिएगा इसको। खुल गया इसका बॉक्स, ये पिज़्ज़ा ओवन दिखने लगा। इसे निकाल लेते हैं बाहर, फिर देखते हैं। ये देखिए, इसकी पूरी रैपिंग उतार दी है, ये निकल आया है बाहर। ये रहे इसके कंट्रोलर्स पैनल, जो है वो है, इसमें बटन्स लगे हुए हैं। ये रहा इसका ऑन ऑफ स्विच, ये टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2। अंदर से देखिए, ये इसके मैनुअल गाइड्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये स्टोन है नीचे, इसमें पत्थर है। और ये ऊपर एलिमेंट है जो कि 1500 वाट का, नीचे वाला 1500 वाट का, कुल 3000 वाट है ये। करते हैं इसको चालू, देखते हैं इसके मीटर्स को ऑन करते हैं। ये देखिए, इसको करा, ये लाइट ऑन हो गया लाइट बटन से, ये पावर बटन। अब ये टेम्परेचर को अपन खोलना चालू करते हैं, तो इसके इंडिकेटर जल जाएंगे। ये देखिए, इंडिकेटर जल गए। इन्हें अभी ऑटो कट करने के लिए इन्हें सेट कर देता हूँ मैं 150 डिग्री पर। ये वैसे जाते 350 डिग्री तक हैं और इसमें टाइमर लगा देता हूँ 10 मिनट का, तो 10 मिनट बाद देखेंगे ये कितना डिग्री पहुँचा है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लगभग 150 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ये आप देख रहे होंगे साइड में से धुआं निकलता हुआ इसका, मतलब ये अच्छा हीट होने लगा है। और जो फर्स्ट टाइम अपन इसको प्री हीट करते हैं तो इसमें थोड़ा धुआं आता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स वगैरह पे जो ऑयल जल लगा होता है वो जलता है। ये देखिए, एलिमेंट्स से धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा लाइट बंद करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, ये लगभग 150 डिग्री पर अभी पहुँच चुका है और रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके इंडिकेटर हो चुके हैं ऑफ, 150 डिग्री टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है। इसको करेंगे पैक, इसको ठंडा कर लें पैक करने से पहले। थोड़ा इस ठंडा होने के बाद इसको पैक करने ले जाते हैं। और फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाने के लिए ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए 250 डिग्री और नीचे का 180 डिग्री, तो पिज़्ज़ा बढ़िया बनता है। ये हो गया बॉक्स पैक पिज़्ज़ा ओवन का, ये डिलीवरी के लिए रेडी है। तो फ्रेंड, ये था वो पिज़्ज़ा ओवन जिसका डेमो मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।